बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई में चांद नजर आ गया। रमजान अल मुबारक का पहला रोजा कल रखा जाएगा। दुबई के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है, रमजान अल मुबारक का चांद दुबई में नजर आ चुका है। दुबई में कल पहला रमजान अल मुबारक है, कल पहला रोजा रखा जाएगा, सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया गया। दुबई के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया। दुबई के स्टेट में कल रमजान अल मुबारक का पहला रोजा रखा जाएगा। दुबई के साथ साथ शारजा के कुछ इलाकों से भी शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। शारजा में भी रमजान अल मुबारक का चांद दिखाई दे चुका है। नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब में भी चांद दिखाई दे चुका है। सऊदी अरब में कल रमजान अल मुबारक का पहला रोजा कल रखा जाएगा। और यूँ सऊदी अरब, शारजा और दुबई में रमजान अल मुबारक का पहला रोजा कल रखा जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त रवियत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जिनको मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल होने का सिलसिला जारी है। लैया से 3 शहादतें रवियत हिलाल कमेटी के पास आ चुकी हैं। लैया के अलावा जामे शोरों से भी 2 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साहली शहर गवादर से सबसे ज्यादा 7 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। रवियत हिलाल कमेटी के पास इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल होने का सिलसिला जारी है। अब्दुल खबीर आजाद साहब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि क्या पाकिस्तान में भी कल पहला रोजा रखा जाएगा या नहीं। लेकिन सऊदी अरब, दुबई और शारजा में बाकायदा सरकारी सतह पर ऐलान हो चुका है। सऊदी अरब समेत कल मुतहदा अरब अमारात में पहला रोजा रखा जाएगा।